नमस्कार। आईपीएल का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। कुछ टीमें आईपीएल के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं, तो वहीं कुछ टीमें ऐसी हैं जिनकी प्लेऑफ में जगह मुश्किल दिख रही है। आईपीएल में एक ऐसी ही टीम है जिसके लिए आईपीएल के प्लेऑफ में जगह बनाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। यूएई में टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन टीम की यूएई में शुरुआत ही हार के साथ हुई। यही नहीं, यूएई में टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज टी नटराजन कोरोना की चपेट में आ गए हैं। टी नटराजन जैसा गेंदबाज टीम के लिए तलाशना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि हैदराबाद की टीम में टी नटराजन के रिप्लेसमेंट के तौर पर उमरान मलिक को शामिल किया गया है। उमरान जम्मू कश्मीर की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और उन्होंने अब तक महज एक T20 मैच ही खेला है। बता दें आपको, टी नटराजन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनके साथ विजय शंकर समेत 6 टीम मेंबर को क्वारंटीन किया गया था। खबरों के मुताबिक टी नटराजन तेजी से रिकवरी कर रहे हैं और वो दोबारा फिट होकर टीम को जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा भी ऐसा लग रहा है कि टीम के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। जॉनी बेयरस्टो की जगह पर टीम में शामिल किए गए शेरफिन रदरफोर्ड पिता का निधन होने की वजह से हैदराबाद के बाय बबल छोड़कर स्वदेश लौट गए। आईपीएल के सीजन में डेविड वार्नर का बल्ला पूरी तरह से शांत रहा है। टीम अब तक खेले 8 मैचों में से सिर्फ एक में जीत हासिल कर सकी है, जबकि 7 मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी है। पॉइंट टेबल की बात करें तो हैदराबाद की टीम इस समय सबसे नीचे काबिज है। टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने सभी मुकाबले जीतने होंगे और साथ ही उम्मीद करनी होगी कि बाकी टीमें भी खराब प्रदर्शन करें। वैसे आपको क्या लगता है, हैदराबाद अभी वापसी कर सकती है या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।